हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? एग्जाम की तैयारी हम लोग की उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी। और पिछले वीडियो हम लोग ने और जो एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी करो। अभी से जी जान से आप जुड़ जाओ, अभी बहुत टाइम है, अभी आपके पास बहुत सारे समय हैं। 18 नवंबर को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई को शुरू स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग चलते हैं, पिछले वीडियो हम लोग ये देखा था यूपी टेट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जून 2013 वाला हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और 1 to 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, पिछले वीडियो हम लोग ने 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम 2013 का क्वेश्चन जो है 15 to 30 सॉल्व करते हैं, 15 से 30 तक जो आपके क्वेश्चन थे उसमें चलते हैं, ठीक है। आपका 16वां क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 है, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? कौन कौन सा दिया है? इल्यूसिडेट, इलूसिडेट, या एग्जेजरेट, या एक्साइल, या एक्सोनेरेट। इल्यूसिडेट का भी स्पेलिंग सही है। एग्जेजरेट आपका क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। ई जो ये में है, यहाँ पर आपका क्या होगा? ए होगा। एग्जेजरेट की स्पेलिंग क्या होगा? ई एक्स ए डबल जी होगा, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? ई दिया हुआ है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा इनका मिसस्पेल्ड है, इनकरेक्ट कौन सा है? आपका बी ऑप्शन सही हो गया। 16 में पूछा था कौन सा इसमें जो है गलत दिया हुआ है, गलत कौन सी स्पेलिंग लिखी गई है। एलुसिडेट की भी सही है, एग्जाइल मींस बनवास होता है, देश निकाला होता है, एग्जाइल ये भी सही है। एक्जोनरेट की भी सही है, एक्जोनरेट मींस क्या होता है? निर्दोष, निर्दोष किसी का ठहराना क्या होता है? एक्जेनरेट होता है, ये भी स्पेलिंग सही है। एग्जाइल की भी सही है, एलुसिडेट की भी सही है, एग्जेजरेट की स्पेलिंग ई एक्स ए होता है, इन्होंने ई दिया था, इसलिए आपकी स्पेलिंग क्या हो गई? दूसरा आपका मिसस्पेल्ड आपका दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरे में भी यही सवाल पूछे हुए हैं, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 17 क्वेश्चन नंबर 16 में भी पूछे हुए हैं कि कौन सा इसमें मिसस्पेल्ड है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। इनोसिएट स्पष्ट रूप से कहना क्या कहलाता है? इनोसिएट होता है, ए भी स्पेलिंग सही है, ई एन यू एन सी आई टी सी आई ए टी, इनोसिएट की भी स्पेलिंग सही है। गुलीबल मींस भोला भाला, जो बहुत शांत स्वभाव का हो उसे क्या कहते हैं? गुलीबल कहते हैं। गुलीबल की स्पेलिंग भी सही है, जी यू डबल एल आई ए बी एल ई, गुलीबल मींस भोला भाला, तो ये भी सही है। और इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मींस अचूक होता है, इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मींस अचूक, तो आपका ये भी सही है। लेकिन इंस्टिगेट का कोई आपका अर्थ नहीं निकलता है और स्पेलिंग भी नहीं निकल रही है, तो इसलिए 16 का कौन से 17 का कौन सा हो जाएगा? इंस्टिगेट। 3 का आपका इनसिएट का स्पष्ट रूप से कहना मिल गया, गुलीबल मींस भोला भाला मिल गया, और इनफेलिएबल मींस अचूक मिल गया, तो बचा आपका कौन सा? इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मींस कोई अर्थ नहीं निकलता है। 17 का कौन सा सही हो जाएगा? 17 का कौन सा? 4 वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चले तो 17 का आपका 4 हो जाएगा, 17 का 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ये सेंटेंस एक दिए हुए हैं, योर हैंड राइटिंग शुड बी, एक सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आगे पूछे हैं क्या हो सकता है। एक सेंटेंस दिए हुए हैं, आगे इन्होंने पूछा है इसमें क्या होगा। सेंटेंस का क्या है? सेंटेंस का क्या है? योर हैंड राइटिंग शुड बी, आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए इंटेलिजेंट, होनी चाहिए बुद्धिमान, हैंड राइटिंग बुद्धिमान होती है, बिल्कुल कैंसिल, ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हुआ। उसके बाद पूछे इंटेलिजिबल मींस, इंटेलिजेंट मींस होता है समझ में आने लायक, इंटेलिजिबल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल ये भी नहीं होगा, आपकी राइटिंग बौद्धिक होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए, ये भी कैंसिल हुआ। इंट्रोवर्ट मींस अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं, तो ये भी आपका कैंसिल हुआ, आपका कौन सा हो गया? इंटेलिजिबल। योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल मींस समझ में आने लायक, आपकी राइटिंग कमांड्स कैसी होनी चाहिए? समझ में आने लायक होनी चाहिए, तो इसलिए 18 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, 18 का सेकंड क्या है? इंटेलिजिबल, योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल, ठीक है, तो 18 का आपका दूसरा सही हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने क्या दिए हुए हैं, 19वां क्वेश्चन इनका क्या है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन विद इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको प्रोनाउन आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 19 में ने प्रोनाउन दिए हुए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपको यहां फिल अप करना है और इनका क्वेश्चन क्या है, ऑल के बाद ये फिल अप करना है। ग्लिटर्स मींस ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स मींस चमक, जिसमें भी सभी में चमक होती है वो सभी सोना नहीं होता है। यहां आपका क्या भरा जाएगा, ठीक है, विच या फिर आपका बैट या फिर हू या हू, इन चारों में यहां कौन आपका फिल अप किया जाएगा। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल हू ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या ऑल हू, तो क्या हो जाएगा, ऑल विच नहीं होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स वे सभी जो चमकते हैं, दैट मींस जो ऑल दैट ग्लिटर्स वे जो चमकते हैं इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होते हैं, वे जो सभी चमकते हैं सोना नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दैट सही हो जाएगा। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स मीन चमक होती है, जो चमकता है वह सभी सोना नहीं होता है, तो जो लिए आपने क्या कर दिया, ऑल दैट कर दिया, तो वो भी कैंसिल हुआ, हम भी कैंसिल हुआ, आपका सही कौन सा हुआ, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकते हैं वे सभी सोना नहीं होते हैं, तो 19 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, दूसरा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इन्होंने क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, एक वर्ड इन्होंने दिए हैं उसकी मीनिंग आपको खोजनी है। ये वर्ड क्या है, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी मींस आपका क्या होता है, पहले तो क्लियर ये कर दो, इटिमोलॉजी मींस होता क्या है, इटिमोलॉजी मींस व्युत्पत्ति विज्ञान, व्युत्पत्ति विज्ञान जो होता है वो आपका क्या होता है, इटिमोलॉजी होता है। अब व्युत्पत्ति विज्ञान आपका इसमें से खोजना है, इसका अर्थ है एक्ट ऑफ स्पाइंग, एक्ट ऑफ स्पाइंग, spying, एक्ट ऑफ स्पाइंग, या दूसरा टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, या फिर तीसरा लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, या फिर चौथा आपका दिए हुए हैं अस्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स। अब इसमें से आप बताओ कौन सा होगा, इटिमोलॉजी मीन्स मैंने बता दिया व्युत्पत्ति विज्ञान होता है उत्पत्ति से संबंधित, इटिमोलॉजी मीन्स क्या होता है, उत्पत्ति से संबंधित, एक्ट ऑफ स्पाइंग है कि उत्पत्ति से संबंधित, बिल्कुल नहीं, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से जो है स्वतंत्र होना, इसमें भी नहीं, लाइकनेस ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति की तरह होना, इसमें भी नहीं, स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए वो शब्दों की उत्पत्ति से संबंधी नियम, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा हो गया, स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, एटिमोलॉजी आपका क्या था, व्युत्पत्ति विज्ञान था, इसका आपका 20वां का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, 20 का चौथा सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा सही हो गया। एटिमोलॉजी आपका क्या होता है, व्युत्पत्ति विज्ञान होता है, इसलिए एटिमोलॉजी का क्या हो गया, स्टडी फॉर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स हो गया, ए आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 इन्होंने क्या दिए हुए हैं, स्पेशल दे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, इसका मीनिंग आपको देखना है कौन सा है, फिर वही क्वेश्चन है, इनिमिटेबल, इनिमिटेबल मींस अनुकरणीय, अनुकरणीय, इनिमिटेबल मींस अनुकरणीय,
अनुकरणी मींस जिसका हम क्या करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है इसके लिए incapable of being reached या फिर इन्होंने दिया हुआ है incapable of being believed या फिर इन्होंने दिया हुआ है तीसरा incapable of being imitated नेक्स्ट इन्होंने दिया है a list of goods इसमें से इन्होंने पूछा है कौन सा है इमिटेबल मींस अनुकरणीय मींस जिसका हम नकल कर सकें incapable of being reached ऐसे पहुंचने से संबंधित है नकल से संबंधित नहीं है incapable of being believed विश्वास करने से संबंधित है नकल से संबंधित नहीं है incapable of being imitated means नकल करना अनुकरण करना तो अनुकरण करना किसमें आ गया आपका तीसरे में आ गया ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया incapable of being imitated इमिटेटेड का अर्थ क्या हो गया ये अनुकरणी था अनुकरणी का अर्थ किसमें आ रहा है incapable of being imitated तो आपका ऑप्शन कौन सा किसका सही हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा चौथे पे जाने की जरूरत ही नहीं है लिस्ट ऑफ वर्ड्स वस्तुओं की सूची चौथे पे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको मिल कहां गया incapable of being imitated तो आपका 21 क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा हो गया तीसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया हुआ है 21 हो गया आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 इनका क्या है चूज द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्पेसेस अ लवर ऑफ मैनकाइंड अ लवर ऑफ मैनकाइंड मानवता प्रेमी आ लवर ऑफ मैनकाइंड इसको क्या कहते हैं मानव को जो प्रेम करते हैं मानवता प्रेमी जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं थीस्ट कहते हैं थीस्ट मींस ईश्वर में विश्वास रखने वाले वेटरन कहते हैं वेटरन मींस अनुभवी या फिर फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं या फिर उन्हें कहते हैं ओमनीपोटेंट ठीक है अलावा आप पैनटाइम थीस मींस क्या था ईश्वर में विश्वास रखने वाले ईश्वर में विश्वास रखने वाले अलावा आप मेंटाइन नहीं हुए वेटरन अनुभवी से संबंधित है ये भी कैंसिल हुआ फिलान्थ्रोपिस्ट आपका क्या होता है जो मानव को प्रेम करते हैं लवर ऑफ मैनकाइंड जो होते हैं उन्हें फिलान्थ्रोपिस्ट कहते हैं और हेटर ऑफ मैनकाइंड फिलान्थ्रोपिस्ट है वो मिसान्थ्रोपिस्ट हो जाता है तो फिलान्थ्रोपिस्ट आपका क्या हो गया लवर ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाता है फिलान्थ्रोपिस्ट हो जाता है तो 22 का क्वेश्चन 22 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया तीसरा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है आपका फिलान्थ्रोपिस्ट क्या हो गया सही होगा लवर ऑफ मैनकाइंड कौन होते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट का ईश्वर में जो विश्वास रखते थे वेटरन कौन होते हैं जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वेटरन होते हैं ये आपका था क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस चार सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें से इनकरेक्ट नहीं छापना है द एप्पल्स are grown in many countries ठीक है दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है books are essential to a student ये भी सही है आपका नेक्स्ट दिए हुए हैं class is a game which requires great patience
which required great patience, या फिर चौथा इन्होंने दिया हुआ है the Sharma live in at Elgin Road, the Sharma Sharmas the Sharmas live at Elgin Road at Elgin Road the Sharmas live at Elgin Road. इसमें से चारों में से कौन सा गलत है? The apples seed are grown means बड़े होते हैं in the many countries होगा, ठीक है? Countries के पहले आपका article the का प्रयोग होगा, तो इसलिए आपका कौन सा गलत हो गया? पहला गलत हो गया। तो आगे जरूरत ही नहीं, बहुत सारे sincere हुए हैं students, सही है, बस के साथ clear था, clear हो गया नहीं, class सही है, class is it is सही है, तीसरा मास clear था, नहीं हो गया, अगर ये single होता तो yes है, yes लग जाता, ठीक है? तो the Sharmas live at Elgin Road भी सही है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला the apples are grown in many countries हो जाएगा। तो 23 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा the apples are grown in many countries, तो आपका 23 का पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 पे इन्होंने क्या दिए हुए हैं? 24 इनका है, इसमें भी आपका 24 में भी गलत छांटना है। पहला दिए हुए हैं इज दिस पेन और इज इट योर्स। इसमें भी पूछे थे कौन सा गलत है, चार ऑप्शन और दिए हुए हैं, दूसरा दिए हुए हैं, तीसरा दिए हुए हैं, चौथा दिए हुए हैं, आपका पहला ही गलत मिल गया, तो तीन ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, तीन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इज दिस माय पेन और इज इट योर्स, पेन का आपका निर्जल है, तो यहां आपने क्या लगाया है? दिस लगाया हुआ है। इज इट माय पेन, पेन के लिए आप क्या लगाओगे? इट का प्रयोग करोगे पेन के लिए आप, क्योंकि यहां इट का आपने प्रयोग कर दिया है, तो यहां पर भी आपको क्या प्रयोग करना होगा? इट का प्रयोग करना होगा। एक जगह इट लगाएंगे, एक जगह दिस लगाओगे, तो काम नहीं चल जाएगा, नहीं पाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत मिल गया आपको? पहला ही गलत मिल गया। तो एक जगह इट लगाए, एक जगह दिस लगाए, इसलिए दोनों जगह आपको लगेगा क्या? इट लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट है, पहला ही सेंटेंस गलत है, तो 24 का कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपका वर्ब का सही फॉर्म लगाना है। इन्होंने ये दिए भी हैं, 25 दिए भी हैं, he dot 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 in Allahabad for 5 years। अब समय इन्होंने ले लिए हैं, समय ले लिए हैं, किस टेंस में होगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अब इसमें ऑप्शन इन्होंने दिया है लिव्स, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है has been living, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है have been living और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है living। आप बताओ, आप ही बताओ। यहाँ for 5 years समय दे दिए हैं, time दे दिए हैं, means perfect continuous tense था, और he है singular है, means क्या हो जाएगा? has been living है, इसलिए नहीं हो जाएगा क्योंकि दो ही है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का दो ही है, has been living है, have been living है, और जब दो ही है तो आपका इसी दो में से कोई एक होगा, ये आपका ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप क्या लगाते हो? has लगाते हो, एक है वाला कैंसिल हो गया, इसलिए आपका कौन सा हो गया? 25 का दूसरा हो गया, क्योंकि आपका ही सिंगुलर था, और जो है यहाँ पर समय दिए हुए हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज और हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगाना था, इसलिए 25 का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। आपका टेंस इसी प्रकार से पूछने वाला है, और इसमें कुछ भी टेंस रिलेट नहीं करेगा, टेंस आपका जब भी इस बार भी सिलेबस में दिया हुआ है, टेंस आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, सुन रहा है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ऐसा कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, आएगा तो आपका इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
26 पे, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। ए 26 में एक फ्रेज दी हुई है, एक फ्रेज दी हुई है बैक एंड कॉल। इनका फ्रेज क्या है, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का इन्होंने ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसकी मीनिंग क्या होती है, केम टू नथिंग, केम टू नथिंग, या फिर आपका होता है अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, या फिर आपका इन्होंने दिया हुआ है अंडर ऑल कंडीशन, अंडर ऑल कंडीशंस, या फिर इनका चौथा ऑप्शन क्या है, टू रिव्यू, टू रिव्यू। ये आपका इनका चार ऑप्शन दिए हैं। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का अर्थ होता है प्रत्येक स्थिति में, बैक एंड कॉल, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में कौन कौन सा है, कम टू नथिंग ये भी नहीं है, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल ये भी नहीं है, अंडर ऑल कंडीशंस, प्रत्येक स्थिति में, अंडर ऑल कंडीशंस। तो बैक एंड कॉल का फ्रेज का अर्थ क्या हो जाएगा, अंडर ऑल कंडीशंस। इसमें 26 का कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन सा हो गया, तीसरा, बैक एंड कॉल फ्रेज का अर्थ क्या होता है, अंडर ऑल कंडीशंस, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति क्या होती है, अंडर ऑल कंडीशंस। तो 26 क्या हो गया, तीसरा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 पे इन्होंने क्या दिए हुए हैं, 27 इन्होंने दिए हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम आपको चूज करना है, एंटोनिम आपको चूज करना है एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का एंटोनिम चूज करना है। एक्सपेडाइट मींस पहले आप जान लो होता क्या है, एक्सपेडाइट मींस होता है शीघ्र, शीघ्र कोई काम शीघ्र करना क्या होता है, एक्सपेडाइट होता है, एक्सपेडाइट होता है, एक्सपेडाइट, ठीक है। तो इसका आपका इन्होंने पूछा क्या है, हॉस्टाइल एंटोनिम पूछा है, हॉस्टाइल इन्होंने दिया है, दूसरा क्या दिए हुए हैं, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मींस अनिच्छुक होता है, और तीसरा इन्होंने दिया हुआ है डिले, डिले मींस लेट करना, या फिर चौथा इन्होंने दिया है रिजिड, रिजिड, चौथा इन्होंने क्या दिया हुआ है, रिजिड। अब ये आप बताओ, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मींस शीघ्र होता है, शीघ्र मींस जल्दी, जल्दी मींस लेट, लेट मींस क्या हो जाएगा, डिले करना, लेट मींस डिले करना, टालना। तो आपका 27 एक्सपेडाइट का, एक्सपेडाइट का एंटोनिम मींस अपोजिट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, मींस लेट करना, एक्सपेडाइट मींस शीघ्र करना, जल्दी करना, और डिले मींस लेट करना। 27 का आपका कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 27 का 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, 28 इनका क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आपको चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 28 में प्रीपोजिशन चूज करना है, कहां करना है, डिजर्व, डिजर्व एक्विटेड, एक्विटेड, एक्विटेड मींस होता क्या है, निर्दोष पाना, एक्विटेड हिम, एक्विटेड हिम द मर्डर चार्ज, द मर्डर चार्ज। अब इसमें से पूछा है प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, ऑफ लगेगा, या फिर दूसरा इन्होंने दिया हुआ है ऑफ वेयर लगेगा, या तीसरा इन्होंने दिए हुए हैं फॉर, और चौथा फ्रॉम। अब इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इक्विटेड मींस निर्दोष, टीचर इक्विटेड हिम, जज ने उसे निर्दोष पाया, दी मर्डर चार्ज, किस मर्डर, मर्डर चार्ज के, मर्डर चार्ज कि जो मर्डर चार्ज उसके ऊपर लगा था उसमें जज ने उसे क्या पाया, निर्दोष पाया। ऑफ लगेगा, यू ऑफ लगेगा, फॉल लगेगा, फ्रॉम। आप ध्यान देना, एक्विट हमेशा, एक्विट हमेशा, और जब इस प्रकार का किसी केस में हम निर्दोष पाए जाते हो उसके साथ हमेशा एक्विट ऑफ लगता है, एक्विट हमेशा ऑफ लेता है, एक्विट आपका क्या लेता है, ऑफ लेता है। तो इसलिए ऑफ वाला ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है। The judge acquitted him of the murder charge. Acquit के साथ of लगता है, इसलिए the judge acquitted him of the murder charge. 28 का option कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा आपका option सही हो जाएगा। Next पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 है क्या, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को क्या करना है, फिल करना है। क्या है, द डॉक्टर, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड, वाज वेरी टायर्ड, वाज वेरी टायर्ड एज ही एलो। अब आपको इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनना है। हैज वर्कड, या फिर इन्होंने दिए हैं हैड वर्कड, हैड वर्कड, या फिर हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, या फिर इन्होंने दिया हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। अब इन्होंने इसमें जो है एक चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें कौन सा टेंस पहले यूज करना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना, कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें बननी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपका होता क्या है, हैड लगता है, हैड बीन लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैड बीन कहां लगा हुआ है, हैड यहां है लेकिन वर्ब बीन नहीं है, हैड यहां लगा है, हैड लगता है, बीन लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब बननी थी, तो कौन सा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड बीन वर्किंग। टेंस से रिलेट ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और कुछ भी नहीं आने वाला है, इसी प्रकार टेंस से रिलेट आपका क्वेश्चन आएगा। तो द डॉक्टर वाज बीइंग टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग एलोन। तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूछा था, इसलिए क्या हो गया, हैड बीन वर्किंग हो गया। तो 29 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चौथा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 30 पे, लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 2013 जून की पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है उस पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन का क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द ऑल ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ एसेंट। 30 एडजेक्टिव ऑफ एसेंट, एसेंट का क्या पूछे हैं, एडजेक्टिव पूछे हैं। एसेंट मींस स्वराग भाव होता है, स्वराग भाव। एसेंट का इन्होंने क्या पूछा है, एडजेक्टिव क्या होता है, एसेंट एसेंट मींस क्या होता है, स्वराग भाव होता है। इन्होंने दिया क्या है, एसेंचुएट ए डबल सी एन टी ओ ए टी, या फिर इन्होंने दिया क्या है, एसेंचुअल एसेंचुअल, या फिर इन्होंने दिया है एसेंचुएटेड एसेंचुएटेड, या फिर इन्होंने चौथा ऑप्शन दिया है एसेंचुएशन एसेंचुएशन। ये चार ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ एसेंट, एसेंट मींस स्वराग भाव। कुछ आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में एल लगाने से क्या मिल जाता है, एडजेक्टिव मिल जाता है। एल किस में लगाया हुआ है, एसेंचुअल। तो एसेंट का आपका एडजेक्टिव क्या हो गया, एसेंचुअल हो गया। ये तो एसेंचुएटेड वर्ब हो जाएगी, एसेंचुएशन भी नहीं होगा, एसेंचुएट भी नहीं होगा। आपका क्या हो गया, एसेंट का, एसेंट का एडजेक्टिव क्या हो गया, एसेंचुअल। एल लग गया एसेंट के एडजेक्टिव के लिए, एल लग गया, इसलिए इस ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका कौन सा सही हो गया, दूसरा एसेंचुअल। क्लियर हो गया होगा आपका। ए था जून 2013 का पेपर, टोटल आपका ये जून 2013 का पेपर था। अभी जो है फरवरी 2013 फरवरी में भी पेपर हुए थे, अभी इसका भी आपको शाल कराएंगे अगले वीडियो में। हम लोग चलेंगे फरवरी 2013 के क्वेश्चन में किस प्रकार के आए थे, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसको आपको कोशिश करते हैं 2-3 दिन में आपको पूरा सॉल्व करा दें। फिर उसके बाद जो टॉपिक आपकी बची हुई है उस टॉपिक पे चलते हैं। तब तक आप जो है पढ़ाई अच्छे से करती रहिए, और जितनी भी हो सके आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। अनसॉल्व के साथ साथ पिछले वर्ष के जितने भी पेपर आए हैं एक बार उसे आप पूरी तरह से, मैं तो सॉल्व कराए रहा हूँ, प्लस आप पूरी तरह से अच्छे से उसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। पूरा उसमें जितनी रटने वाली चीज़ें हैं आप उसे क्या करोगे, अच्छी तरह से रट भी लोगे, इतना काम आप करोगे। और जो है
उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो 2013 फरवरी के पेपर को लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।